महाराष्ट्र के अमरावती में रात 2 बजे की घटना, जहां अमरावती के नंदगांवपेट टोल नाके के पास शेगांव दर्शनकर नागपुर की ओर जाने वाली ट्रैवल्स पर अज्ञात 4 पहिया वाहन में सवार डकैतों ने फायरिंग करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। ट्रैवलर के ड्राइवर के समय सूचकता के साथ बड़ी घटना टली जरूर है, लेकिन इस घटना में चालक पर डकैतों ने फायरिंग किया है, जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। ट्रैवलर के हाथ में गाड़ी ना लगनी थी और सीधे टिवसा पुलिस स्टेशन में जा रुकाई। इस घटना में चालक समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाद आरोपी गाड़ी लेकर फरार हुए हैं। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा है कि यह घटना अमरावती के पुलिस कमिश्नर क्षेत्र के नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के हद में हुई है। रात 10 बजे के बाद की बताई जा रही है। नागपुर की मिनी ट्रैवल्स शेगांव गजानन महाराज के दर्शन कर नागपुर लौट रही थी। जैसे ही टोल नाका पार हुआ तो ट्रैवलर चालक को अपने पीछे लगातार एक 4 पहिया वाहन पीछा कर रहा है, यह बात समझ में आ गई तो उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने भी उनके पीछे और तेजी से गाड़ी चलाते हुए चालक को गाड़ी से ही आवाज देते हुए कहा कि रुक जा। लेकिन चालक को यह बात समझ में आते ही ट्रैवलर चालक ने गाड़ी और तेज कर दी, जिसमें डकैतों ने चालक पर बंदूक टेंट की और फायरिंग कर दी, जिसमें चालक के हाथ को गोली लगी। लेकिन फिर भी चालक ने गाड़ी तेजी से चलाते हुए गाड़ी तिवसा पुलिस थाने में रुकवाई, जहां डकैत वहां से फरार हुए। इस घटना में जख्मियों को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया और इस मामले की अब जांच करी है। तो दूसरी ओर इन्हीं डकैतों ने और एक घटना को अंजाम देने की खबर सामने आई है। एक ट्रक चालक को सुनसान जगह पर रुकवाकर उसे पेड़ से बांधकर उसके पास से 9 से 10 हजार रुपए नकद और मोबाइल छीनकर रोड रॉबरी करने की घटना सामने आई है। यह जानकारी नंदगांवपेट पुलिस थाने के थानेदार और अमरावती के ग्रामीण क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने फोन पर अधिकृत तौर पर दी है। तर ते पिछा करत त्याला 2 वेळा साईड दिला तरी त्यांनी साईड नाही घेतला, आणि मग काही दूर जर गेल्याच्या नंतर त्यांनी मला फायरिंग केली। पहिली फायरिंग त्याची चुकली, दुसरी फायरिंग केली ते हातावर बसली, आणि मग 2 फायरिंग परत केल्या तर ते गाडीला लागल्या नाही आणि घटनास्थळून मी पिछा करत सरळ तिवशाला पोचून गेलो। अमरावतीवरून अंबादेवीचं दर्शन करून नागपूरला निघून। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।